नमस्कार दोस्तों, L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में अभी वैकेंसी निकल चुकी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन कितने है। आपको सैलरी यहां पर पता चल जाएगी, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे फुल पेडकल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि आप इन सारी जॉब को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहां पर हमने प्रैक्टिकल यहां पर चालू कर दिया और यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां पर देखो बहुत सारी कैटेगरी में जॉब है भाई। और L&T कितनी बड़ी कंपनी है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि L&T बहुत बड़ी कंपनी है भाई। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जॉब में अगर आप आ जाओगे तो ये वेबसाइट है larsenturbocareers.peoplestrong.com। तो आपको जो ऊपर साइड में दिख रहा होगा मेरे ऊपर, तो वहां से आप जाकर जो है वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि अप्लाई कैसे आपको करना है, क्योंकि कुछ लोग क्या है वीडियो को बीच में छोड़कर वापस चले जाते हैं अप्लाई करने के लिए, भाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी में भी जॉब की आवश्यकता है। नीचे आ जाओगे तो नीचे देखो जॉब के लिए कितने चाहिए, L&T एनर्जी में चाहिए जॉब के लिए कितनी वैकेंसी है, देखो 178 वैकेंसी है। और हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में 133 लोगों की आवश्यकता है, पावर ट्रांसमिशन में 76 लोगों की आवश्यकता है, L&T प्रिसिशन में जो है 69 इंजीनियर की आवश्यकता है, और रियलिटी में 52 है, वाटर एंड इंसुलेंट में 47 है, L&T एनर्जी में 46 है, हैवी इंजीनियरिंग में 41 है, इंडस्ट्रियल मैकेनिक मशीनरी में जो है 39 है, ट्रांसपोर्टेशन में भी जरूरत है भाई, ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रक हो गया उसमें गाड़ी वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर 25 लोगों की आवश्यकता है, हेड ऑफिस के अंदर जो है काम करने के लिए 17 लोगों की जरूरत है, और यहाँ पर L&T वेलवेस लिमिटेड में 16 लोगों की आवश्यकता है, L&T सोफिन में 12 लोगों की आवश्यकता है, ग्रीन एनर्जी बिजनेस में 9 लोगों की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिनरल्स में भी जरूरत है, यहाँ पर एजुटेक में भी जरूरत है, यहाँ पर डेटा सेंटर में आवश्यकता है, नेवा पावर लिमिटेड में आवश्यकता है, डिविजनल कॉर्पोरेट में आवश्यकता है, यहाँ पर L&T प्रिसीजन में जरूरत है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर पेडकल हेड ऑफिस का दिखा देता हूं, तो आपको हेड ऑफिस के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑफिस कॉर्पोरेट अकाउंट का यहां पर शो कर रहा है, और ये जो पोस्ट करी गई 20 जून 2024 को, और अमन टावर पवई जो कि मुंबई में पड़ता है, तो यहाँ पर ये हेड ऑफिस है। और 0 से 5 साल एक्सपीरियंस, मतलब एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और रिक्वायर्ड स्किल आपके अंदर CMA का स्किल होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए देखो बटन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और AGM मतलब साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 20 जून 2024 को जॉब पोस्ट करी गई, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल आपके अंदर साइबर सिक्योरिटी आपने कंप्लीट करा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जॉब है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहली बार आए हो, L&T की इस ऑफिशियल वेबसाइट को पहली बार अगर आप देख रहे हो, तो इसे यहां पर आपको सबसे पहले ओके करके लॉग इन कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पर डाल के आपको साइन इन करना है, या फिर अगर आपने अभी तक लॉग इन नहीं करा है तो आपको नीचे न्यू यूजर का ऑप्शन दे रहा है, तो न्यू यूजर पर जाना है और यहां से आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आप इन सारी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहां पर बस आपको एग्जांपल दिखाया, या देखो मैं भाई डेली बनाते रहता हूं वीडियो, तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करके रखा है। अब बहुत ज्यादा पे तो करूंगा नहीं, क्योंकि सारी वेबसाइट पे तो नहीं लॉगिन कर सकते ना। अब यहां पर देख सकते हो कि हैवी सिविल इंजीनियर में अगर हम आ जाते हैं तो यहां पर कितने लोग की आवश्यकता है, यहां पर देखो हैवी सिविल इंजीनियर की जॉब यहां पर ओपन हो गई है। सर्वे मैनेजर की आवश्यकता है जो कि सिविल इंजीनियरिंग जिनका कंप्लीट हो, कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी काम करें हो, ऑटो कैड वगैरह उनको आता हो, 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर TBM मैनेजर की आवश्यकता है जिनके पास 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और PLC रिक्वायर्ड स्किल है। तो भाई जो जिस हिसाब से देखो मैं पहले ही बताया कि सैलरी आपको उसी के ऊपर भी आप पर मिलने वाली है, आपके एक्सपीरियंस के भी आप पर। तो अगर आप फ्रेशर हो तो उस हिसाब से आपको जॉब फाइंड करना होगा कि कौन सा जॉब आपके लिए बना है। अब यहां पर जैसे देख सकते हो असिस्टेंट ऑफिसर की आवश्यकता है, और यहां पर 19 अगस्त को ये जॉब पोस्ट करी गई है, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है 0 से 1 साल का, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और IR साइट एडमिनिस्ट्रेटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि जो साइट है उसे देख रेख करना, उसे मैनेज करना आपको आना चाहिए। इसके लिए भी आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है, और यहां से अपना पहले न्यू यूजर लॉग इन कर लेना, उसके बाद यहां से लॉग इन करके आपको फिर इस जॉब को अप्लाई कर लेना है, इजी प्रोसेस है। तो यहां पर इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है कितनी सारी जॉब चल रही है, जो कि यहां पर बहुत सारी जॉब है, मैंने पहले बता दिया था, एक जॉब नहीं यहां पर मल्टीपल जॉब है। जैसे मैं यहां पर स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी आवश्यकता है, सॉल्यूशन इंजीनियर की आवश्यकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को जरूरत है, ये आइडिएशन इंजीनियर की आवश्यकता है, यहां पर देखो सॉल्यूशन डिलीवरी इंजीनियर की आवश्यकता है, यहां पर देखो डिप्टी मैनेजर की आवश्यकता है, यहां पर देखो सीनियर इंजीनियर की आवश्यकता है, इंजीनियर की
आवश्यकता है, यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की आवश्यकता है, यहाँ पर देखो सीनियर सब स्टेशन डिजाइन इंजीनियर की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की आवश्यकता है, यहाँ पर देखो सीनियर इंजीनियर की आवश्यकता है सिविल एंड ONG के अंदर, और इस तरीके से लीड प्राइमरी इंजीनियर की आवश्यकता है। तो भाई बहुत सारे जॉब है, आपको बस सर्च करना है, लोकेशन आपको इंडिया के अंदर ही मिल जाएगी, आपको यहाँ से सिटी वगैरह भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो मैंने सब कुछ आपको बता दिया आप किस तरीके से जॉब को अप्लाई करेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 10वीं 12वीं 8वीं पास वाले किस तरीके से जॉब को अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर एक अलग सी वीडियो आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।